एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। युवा जिला अध्यक्ष पीडीपी तारिक अहमद के उनके साथ जुड़ने से उस्मान माजिद को झटका लगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पूर्व मंत्री और बांदीपुरा के पूर्व विधायक उस्मान माजिद को बांदीपुरा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीटीपी के युवा जिला अध्यक्ष तारिक अहमद राथर के रूप में बड़ी बढ़त मिली। उसे बुधवार को उस्मान माजिद ने तारिक अहमद का अपने पाले में स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि यह नया गठबंधन उनके अभियान को ताकत देगा। माजिद ने कहा कि तारिक के शामिल होने से निस्संदेह हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और मुझे यकीन है कि इससे इन चुनावों में जीत हासिल करने की मेरी संभावनाएं बढ़ जाएगी। तारिक साहब ने हाल ही में पीडीपी से रिजाइन किया है। ये इस इलाके में बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रिक्ट में इसको मानते हैं, जानते हैं लोग। इनका एक अच्छा तजुर्बा है सियासत में और काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में है, जेन्युइनली काम कर रहा है, सोशल काम कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई है कि उन्होंने हमारे साथ आज हाथ मिलाया है पीडीपी को छोड़ के, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक होके इस इलाके की भलाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ेंगे। खासकर ये जो नायदखल एरिया है, इसमें अच्छे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है जो इसको एक दिशा दे डेवलपमेंट के हिसाब से, लोगों के मसल मसाइल को हल करने में। इसलिए मुझे इंतहाई खुशी है कि उन्होंने मेरे साथ मेरा हाथ थाम लिया और मेरी इज्जत अफजाई की। आई सी इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वी कैन सेव लॉट ऑफ मनी because one election one nation, it's if we see the our neighboring country Pakistan, same takes place there, wahan bhi ek hi jaisa hai. to yahan bhi main isko khushain theek hai kyunki humko itne paise chote chote election mein lagte hain aur ye sarkari khazane pe bada bojh banta hai aur ye paisa logon ka hai, ye paisa jo bachega logon ke bhalai ke liye kharch hoga. har 6 mahine ke baad kahin na kahin desh mein election hota hai, aap andaaza lagaye kitne mulazim isme involved hai, कितने मैन एंड मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है, कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व, कितना सिक्योरिटी फोर्स में इन्वॉल्व होता है आज के वक्त में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, एक अच्छा स्टेप है, और शायद ये इमीडिएटली नहीं हो, शायद 29th के बाद जिस तरीके से कानून लागू होगा ये अच्छा होगा। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असम्बली इलेक्शन भी साथ हो जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इट्स मिस्टर ओमर व्हाट ही हैज़ फेल्ट इज़ हिज ओन स्टेटमेंट, आई कांट कमेंट ऑन दिस, but I see those who are taking part in elections, they are most welcome. We say it like this, there aaye durust aaye. Had it happened much earlier, things would have been better. So bas we'll take it just in a positive way. Khabrein to desh se bahut aati hain, lekin kuch khabrein din bhar ki surkhiyan ban jati hain. Din ki har surkhi ka niklega nichod, har khabar ko pesh karenge बिना तोड़ मरोड़।